पर्सनल और आप देख रहे हैं टेक्निकल्स और एक ग्रेड दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं हमारे रफ़ी भाई माशाल्लाह से जो है ना अभी यूपीएस की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अभी इसमें से निकालते हैं, ये 3.6 से देख सकते हैं आप JBR। तो ये लेकर आए थे, 1.42 का लाए थे ना, 1.42, हाँ 1.42 का लेकर आए थे। ये लाए थे रमज़ानों में, ठीक है, लगवा आप रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से क्या क्या निकलता है। ठीक है, हमारे रफ़ी भाई जो है ना इसको खोल रहे हैं। ये हमारे रफ़ी भाई हैं, ये हमारे प्लम्बर भी हैं, ठीक है, बहुत प्यारा काम करते हैं। और जैसे देख रहे हैं आप, ये आ गए, इसकी शीट आ गई, ठीक है, केबल वायर आ गए और पीवी कनेक्टर जो हमारे MC4 होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कवर देते हैं, ये तो बस ऐसे ही दिया हुआ कंपनी ने। निकालें बाहर इसको, बिस्मिल्लाह, निकालें निकालें। हाँ तो दोस्तों देखें, अब ये थैली से डब्बे से हमने बाहर निकाल लिया। पहले देखिए आप, कंपनी वालों ने MC4 कनेक्टर दिए हैं, ये पीवी, ये बैटरी का कनेक्टर है, ठीक है। ये स्मार्ट लोड है, यानी कि आप इस पे 1200-1300 तक का जो भी कंपनी लिखा है ना वो डाल सकते हैं आप। और ये इसकी दूसरी ड्यूल आउटपुट है, यानी कि वन ये है, ड्यूल ये है, ठीक है। ये हैवी लोड है, यानी कि इस पे आप हर तरह का लोड डाल सकते हो। ये स्मार्ट लोड है, यानी कि आप कम वाला लोड डाल सकते हो जो आपका कट ऑफ हो जाए बैटरी के वोल्टेज के हिसाब से। और ये इनपुट जो है ना वापडा की है, ठीक है। नीचे जो ये 3 पॉइंट दिए ना, ये अर्थ के दिएंगे, ठीक है। और देख सकते हैं आप, ये इसका, ये इसका जो है ना दोस्तों देखें, ये इसका ऑल ऑफ का बटन यहाँ दिया है और ये एंटीटा से, ठीक है, यहाँ से आप फिल्टर वगैरह साफ़ करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये इसकी डेटा शीट है, मैं आप लोगों को डेटा शीट दिखा दूँ। 3.6 से अक्सर लोग पूछते हैं कि ये 3.6 पूरा ही चलेगा, बिल्कुल 3.6 चलेगा। मैंने इस पर 4 KV का लोड डाला है, ठीक है दोस्तों, 4 KV तक का लोड डाला है इसके ऊपर और माशाल्लाह से पूरा वर्क करा, ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छी जो बड़ी खूबी है इसमें, 17.7 का एम्पेयर का जो है ना इसमें कंट्रोलर आउटपुट दे सकते हैं आप, बड़े से बड़ा पैनल लगा सकते हैं आप। पीवी रेंज इसकी 500 आएगी, 280 की एक स्ट्रिंग बना सकते हैं आप, ठीक है। और 120 का जो है ना मैक्सिमम बैटरी करंट जो आप इसको यानी कि चार्जिंग कर सकते हैं वो 120 एम्पेयर है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा फीचर है और बहुत अच्छा है। मैंने इसको विदाउट बैटरी भी लगाया और यहाँ पर भी हम विदाउट बैटरी लगा रहे हैं। तो ये महमूदाबाद है, महमूदाबाद के अंदर आपको मैंने जैसे प्लेटें दिखाई ऊपर जो है ना, और इसी तरह से जो है ना ये UPS लगा रहा है। अच्छा, ये JBR है, 3.6 है, ठीक है। इसका मॉडल बहुत ही प्यारा है, अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं कैसा चल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा चल रहा है इस टाइम। इस टाइम इनका ये कामयाब मॉडल जा रहा है, बहुत पायदार है, अच्छा है, अच्छी मशीन बनाई है इन्होंने। तो ये हम महमूदाबाद के अंदर लगा रहे हैं, इसके ऊपर हमने 4 पैनल लगाए हैं। ये भाई कह रहे हैं अगले हफ्ते 2 पैनल और आ जाएंगे, तो इनके पूरे 6 पैनल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये विदाउट बैटरी लगा रहे हैं, इनकी लाइट यहाँ पर जाती नहीं है। अच्छा, ये विदाउट बैटरी वर्क भी कर जाता है, अगर लाइट भी जाए तो विदाउट बैटरी वर्क कर जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को, व्यूवर्स को, सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर लाइट होगी ना तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे पर अगर कोई हैवी लोड हम डालें तेज टार्क वाला मोटर वाला, तो ये बर्दाश्त कर लेगा लाइट के साथ। और अगर आप लोग बैटरी डालते हैं तो बैटरी बर्दाश्त कर लेती है। अगर आप विदाउट बैटरी लगाते हैं और लाइट चली जाती है तो एकदम टार्क वाला लोड जो होगा ना वो फ़ौरन बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि जो है ना आप लोग बैटरी लाजमी लगाएं, चाहे छोटी लगा लें पर लगा लें, उसमें आपका बेनिफिट रहता है, एकदम सिस्टम बंद नहीं होता, क्योंकि सोलर एकदम टार वाली चीज़ को, कोई भी चीज़ को लोड एकदम ऑन नहीं कर पाता। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। जिस भाई को भी अगर ये UPS चाहिए, स्क्रीन के दिए हुए नंबर पर आप लोग उससे रब्ता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से, अल्लाह हाफिज़।